तो भाई लोग, मैं हूँ काशिफ, और आप देख रहे हैं बोली किंग। आज हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान, शुरू से ही सुपरस्टार है दोस्तों। आप स्क्रीन पे देख चुके हैं भाई 1998, और दोस्तों 2024 1998 में शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, जो कि भाई मुझे लगता है भाई कुछ कुछ होता है कि मूवी से दोस्तों ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल रहा है। उससे पहले दोस्तों दिलवाले दुल्हनिया ले आएंगे, दिल तो पागल है, और दोस्तों यहाँ तक कि दीवाना सब में दोस्तों शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। उसके बाद दोस्तों वीर ज़ारा, और यहाँ पर देखा जाए तो मोहब्बतें, और कई सारी मूवी ऐसी है जो कि चेन्नई एक्सप्रेस से पहले दोस्तों कई सारी मूवी को दोस्तों शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला दोस्तों। आज इसी के बारे में बात करने वाले, तो वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल सपोर्ट करें। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख चुके हैं भाई, यह है 1998 और यह है 2024। दोस्तों 1998 से लेकर 2024 तक यहाँ पर शाहरुख खान का देखा जाए तो बायोडाटा, भाई शाहरुख खान शुरू से ही भाई यहाँ पर एक सुपरस्टार के तौर पर देखा गया है दोस्तों। 2024 में शाहरुख खान को बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला दोस्तों जी सिनेमा अवार्ड के द्वारा, जो कि भाई जवान मूवी को मिला यहाँ पर देखा जाए तो। फिलहाल दोस्तों बस वीडियो बनाने का मेरा यही मतलब है। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई शाहरुख खान एक लोकल सुपरस्टार है। कई सारे लोग दोस्तों, मैं वीडियो देखता हूँ, ऐसी बातें बताते हैं कि भाई शाहरुख खान एक बेकार स्टार है और भाई उसको एक्टिंग भी नहीं आती। भाई अगर एक्टिंग नहीं आती ना भाई, 1993 से लेके 2024 तक यहाँ पर इतने अवार्ड देखने को नहीं मिलते दोस्तों। आप सबको तो पता है कि 2013 में जो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी आई थी वो बहुत बड़ी हिट हुई थी। उससे पहले माय नेम इज़ खान, उससे पहले दोस्तों माय नेम इज़ खान काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रही थी। उसके बाद दोस्तों रावण, जो कि भाई बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी फ्लॉप हुई थी, लेकिन भाई उसके VFX बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। लेकिन भाई मूवी की जो स्टोरी है ना दोस्तों, उस ज़माने में 2011 के ज़माने में दोस्तों भाई फ्लॉप रही थी। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों। भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो कई सारे लोग ये समझ रहे थे कि भाई रावण के बाद शाहरुख खान का करियर गया। उसके बाद दोस्तों जब तक जान, जो कि सनम सरदार से क्लेश हुआ था, वो भी दोस्तों भाई हिट रही थी सनम सरदार के सामने। उसके बाद चेन्नई एक्सप्रेस, उसके बाद भाई यहाँ पर देखा जाए तो हैप्पी न्यू ईयर, उसके बाद दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर तक शाहरुख खान का करियर दोस्तों ठीक रहा था। ओपनिंग में सही उठी थी और भाई कलेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हुए थे। उसके बाद दोस्तों दिलवाले आई, जो कि इस मूवी का काफ़ी तगड़ा विरोध हुआ गया था दोस्तों। कई सारे थिएटरों के अंदर तोड़फोड़ करी गई थी और भाई कई सारे थिएटर दोस्तों बंद भी हो गए थे बम्बई के अंदर, दिल्ली के अंदर। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। उसके बाद दोस्तों फैन आई, रईस आई, जब हैरी मेट सेजल आई, डियर जिंदगी दोबारा आई, डियर जिंदगी उस तरह का नाम था दोस्तों वाली मूवी आई। उसके बाद तो जीरो आई 2014 से, दिलवाले से लेके 2018 तक जीरो तक भाई शाहरुख खान की कोई भी मूवी ज़्यादा खास कमाल नहीं कर पाई दोस्तों। फिर आया लॉकडाउन, कोविड, भाई 4 साल तक लॉकडाउन, कोविड का असर रहा हिंदुस्तान के अंदर। यानी कि 2018 में आई थी, उसके बाद 2019, 20, 21, 22 तक शाहरुख खान का कोई भी अता पता नहीं था। कई सारे लोग ये सोचते थे कि भाई अब तो गया, कोई ख़त्म हो गया भाई, अब तो एक्टर ख़त्म हो गया दोस्तों। फिर आई 2013 जनवरी का दिन, जो कि पठान, पठान ने बॉलीवुड का पूरा इतिहास रच दिया। मतलब कहने का मतलब है कि एक तरफ बॉयकॉट गैंग इसके पीछे पड़े थे और बॉयकॉट गैंग को रोनते हुए ये मूवी दोस्तों उनके सर पर बैठकर यहाँ पर मूवी हिट हो गई। उसके बाद दोस्तों जवान डंकी, जो कि 1 साल के अंदर 2600 करोड़ कमाने वाला भाई एक्टर बन गया। मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि भाई जो लोग ये समझते हैं कि भाई, कई सारे लोग मैं वीडियो देखता हूँ कि भाई बेकार है, बकवास है, भाई वो 1993 से लेके 2024 तक की सारे अवार्ड दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो शाहरुख खान के हक में जाते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। फिलहाल दोस्तों आप इस अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहते हैं 1998 से लेके 2024 तक, कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी मैंने आपको सारा करियर आपको बता दिया कौन सी मूवी हिट रही, कौन सी मूवी फ्लॉप रही, और दोस्तों कहाँ से कहाँ तक भाई कितना यहाँ पर सबर करना पड़ेगा कि मूवी को हिट कराने के लिए। दोस्तों सबसे अच्छा मुझे वो लगा कि भाई जब 4 साल का गैप होने के बाद जो खतरनाक वापसी करी, जो कि भाई सबके होश उड़ा के रख दिया भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो। फिलहाल दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहते हैं, शाहरुख खान के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल सपोर्ट करें दोस्तों।